दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन संडे का और आज डेट है 10 सितंबर 2023। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, दिन के बज चुके हैं 1:04 और मैं है अभी हूँ राइट नाउ पालम के फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहा हूँ और खाली आ रहा था एयरपोर्ट साइड से, एयरपोर्ट टर्मिनल 3 मैंने लास्ट स्टॉप मेरा वहीं पर हुआ था, तो वहाँ से मैं जा रहा हूँ खाली और जा रहा हूँ घर की तरफ, क्योंकि रोड पे काम, संडे का दिन है तो संडे एक्चुअली गाड़ी निकाली थी 2-3 घंटे के लिए। मैं क्या 2-3 घंटे काम करूँगा उसके बाद फिर अपना घर पहुँचूँगा। तो 2-3 घंटे 4 घंटे हुए थे, 4-5 घंटे, तो बस जितना काम होता है उतना कर लो। संडे को हालांकि मैं छुट्टी लेता हूँ, बट छुट्टी इसलिए नहीं लेता कि थोड़ा सा एक तो वैसे ही मतलब 3 दिन के G20 का चल रहा था तो काम वैसे ही कम था, कोई ज़्यादा खास काम हो नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने कहा चलो जितना भी होता है वो रिकवर हो जाता है संडे संडे में। मतलब जैसे आप मंडे से सैटरडे तक का काम करते हो तो हर दिन एक साथ होता नहीं है, हर दिन कभी डाउन भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा डाउन भी हो जाता है, तो इसलिए संडे एक हमारे पास ऐसा मौका होता है जिसमें हम 1000-1500 का काम करके आधे दिन में, तो जो हमारा पीछे के दिन है उस दिन जितना कम हुआ होगा वो हम काम कर लेते हैं, तो इससे काम भी हो जाता है और आधे दिन में हम अपने घर भी पहुँच जाते हैं, घर में फिर वीकेंड्स पे अपना फैमिली के बीच रहते हैं। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में करीब निकला था आपका 8:30, मतलब 8 बजे निकला था घर से, बट जो ट्रिप्स मेरे पास आई थी वो ट्रिप्स मेरे पास आई थी 8:40 पे, मतलब 40 मिनट तक मेरे पास ट्रिप्स आ रही थी, बट ट्रिप्स ऐसी ऐसी आ रही थी कम से कम 5-6 ट्रिप्स मेरे पास सीधा नजफगढ़ साइड की, बकरवाला, सुल्तानपुरी और आपका नजफगढ़, मुस्तफाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ से बुकिंग, उत्तम नगर में ड्रॉप है पिकअप यहाँ से द्वारका से, तो उत्तम नगर में ड्रॉप है, तो ऐसे पिकअप लेने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, ठीक है, उसमें फिर फंसने वाली बात हो जाती है। तो फिर मेरे पास आई थी पहली बुकिंग जो आई थी वो आपके इधर की क्या कहते हैं RML हॉस्पिटल साइड की बुकिंग थी दोस्तों, मेरे पास जो आई थी 236 रुपये दिखा रहा था, तो मैंने सोचा यार कर्नाटक में RML हॉस्पिटल जाना अगर रास्ते बंद ना हो, तो मैंने राइडर से पूछा, तो राइडर कहते हैं सर आपको धौलकुआ साइड से नहीं, आपको रिज रोड से लेके शंकर रोड की तरफ से चलना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत होगी नहीं, मेरे पास आई कार्ड है और आई कार्ड दिखा, चलो भाई ठीक है। तो मैं धौलकुआ रिज रोड पर जस्ती पहुँचा, वहीं से मेरे पास बुकिंग्स आना स्टार्ट हो गई, तो अच्छा हुआ मैंने बुकिंग से एक भी नहीं ली उस तरफ की, प्रेसिडेंट स्ट्रीट से आ रही थी, गोल मार्केट से आ रही थी, तो शंकर रोड तक पहुंचा दोस्तों, शंकर रोड पे ही बैरिकेडिंग करी हुई थी, बैरिकेडिंग में उन्होंने जाने नहीं दिया चेक पोस्ट पे, उन्होंने बोल दिया भैया यहीं तक अलाउड है टैक्सी अंदर नहीं जा सकती, तो सवारी ने आई कार्ड दिखाया बट तब भी वो नहीं हुआ ना, उन्होंने यही बोला कि हम आपको अपनी गाड़ी से ड्रॉप करवा देंगे, टैक्सी अलाउड नहीं है। तो सवारी वहीं उतर गई, फिर सवारी को ऑनलाइन पेमेंट थी, मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, मैं भी फिर गंगाराम की तरफ जैसी बढ़ने लगा, मेरे ऐसे मेरे पास आ गई थी एयरपोर्ट की टर्मिनल 3 की बुकिंग, तो टर्मिनल 3 की बुकिंग थी जिसमें 281 रुपये कुछ ऐसी बता रहा था सर्च में 20 किलोमीटर में, तो मैंने कहा यार ले लेता हूँ चलो क्या पता वहाँ से मेरे को मिल जाए, तो वो टर्मिनल 3 छोड़ा, तो पहले उनको टर्मिनल 1 जाना था उसके बाद 3 पे जाना था, पहले 1 पे छोड़ा एक बंदी को, फिर उसके बाद 3 पे पहुंचा, 3 पे पहुंचते ही मेरे पास बुकिंग आ गई नोएडा की, तो नोएडा में मतलब पिकअप लोकेशन बंदे ने टर्मिनल 2 से डाल रही थी, बट ये है कि उसने मुझे फ़ोन करके बता दिया था कि भैया 3 से पिकअप लेना है, तो मैं कहा चलो कोई नहीं, नोएडा जाने में 387 रुपये कुछ बता रहा था नोएडा जाने का, और मैंने कहा चलो 387 में काट पीट के 370 मिल जाएंगे, 120 का टोल मिल जाएगा, तो 500 रुपये तो मैं वैसे ही मतलब मिल जाएंगे इस ट्रिप, तो फटाफट फिर उस ट्रिप को पिकअप लिया मैंने, नोएडा सेक्टर 20 छोड़ा, 20 छोड़ते ही मैंने लोकेशन डाल दी थी, तो लोकेशन डालते ही मैं ऐसे ही यूट्यूब में कुछ देख रहा था, वैसे ही बुकिंग आगे क्लिक हो गया तुरंत, तो देख भी नहीं पाया कहाँ की ट्रिप थी वो, तो लकीली ये था कि टर्मिनल 3 एयरपोर्ट की ही ट्रिप थी वो, तो टर्मिनल 3 छोड़ के बस अब मैं जा रहा हूँ खाली। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में, और दोस्तों जैसे कि आप जानते हो, देखिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों को किसी न किसी उससे जानकारी दूँ, और ऐसी जानकारी देने में फ़ायदा रहता है जिसमें देखिए आप धोखा खाने से बच जाए, तो काफ़ी कुछ देखिए आप लोग कुछ भाई होते हैं कुछ नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कुछ होते हैं ट्रायल करने के लिए पुरानी गाड़ी लेना चाहते हैं, तो मतलब
कुछ भाई सोचते हैं कि ज्यादा पैसा ना लगे। देखिए उनको क्या है कि जिसके पास बजट नहीं होता वो सेकेंड हैंड गाड़ी भी मिल जाती है, सेकेंड हैंड गाड़ी में साफ सुथरी गाड़ी भी आती है, बहुत सारी आती है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों सेकेंड हैंड गाड़ी के बारे में। तो सेकेंड हैंड गाड़ी में देखिए काफी ड्राइवर भाई क्या जल्दबाजी कर लेते हैं, जल्दबाजी यही करते हैं कि गाड़ी कोई बेच रहा होता है सस्ते में 1 लाख 1.5 लाख 1.80 2.80, ठीक है। अब उसमें जो जानने वाली बातें हैं, कुछ बातें ऐसी हैं दोस्तों जो आपको ज़रूरी है जानना, ठीक है, गाड़ी लेने से पहले, जिससे क्या होता है कि आप क्या है कि काफ़ी नुकसान होने से अपना बचा सकते हो। ऐसी काफ़ी भाई हैं जिन्होंने सेकेंड हैंड गाड़ी ले ली है, उसके बाद सर पकड़ के वो रो रहे हैं, रो इसलिए रहे हैं क्या गलती क्या क्या करी है उन्होंने, गलती मैं आपको बताया था। देखिए दोस्तों जब आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं सस्ती में ले लेते हैं तो दो तीन गलतियाँ हो जाती हैं। एक तो गाड़ी की आप चलान चेक नहीं करवाते, ठीक है, चलान बंदा बोल देता है कि चलान इतने हैं, या चलान दो तरीके से होते हैं। देखिए एक तो 5 नंबर वाले चलान होते हैं, 5 नंबर वाले जो चलान होते हैं वो वाहन ऐप में चेक होते हैं, और दूसरे जो दिल्ली ट्रैफिक के चलान होते हैं वो कैमरे वाले होते हैं, तो वो अलग दिल्ली ट्रैफिक की साइड पे होते हैं। तो कई बार जिससे आप गाड़ी खरीदते हो वो अपने RC में वो दिखा देता है कि वाहन ऐप में भी मेरे इतने चलान है, कुछ भी चलान नहीं दिखा रहा, और जबकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की साइड में अगर आप जाओ तो वहाँ पर पूरी लिस्ट बनी रहती है, तो उस चलान को कोई क्लियर नहीं करता, ठीक है। आप एजेंट के पास जाते हैं तब भी गाड़ी ऐसी पास हो जाती है, तो लास्ट में जाके आपके पास फिर देखिए फंसता कौन है, जिसके नाम पर गाड़ी होगी, तो नाम आपने गाड़ी खरीद ली, अब आपके नाम पर होगी, तो सारे के सारे चलान किसके होंगे, आपके होंगे। तो दोस्तों ये सब चीज़ें देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी सस्ती क्यों बेच रहा है बंदा, और अगर अच्छी कंडीशन में है तो उसके चलान वगैरह चेक कराइए, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरे के पूरे ओके हैं, कोई मतलब उस पर कोई मतलब कोई कोर्ट का कुछ मतलब NOC वगैरह पूरी आपको कंप्लीट लेनी है, और चलान की NOC लेनी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चलान की NOC है, क्योंकि अगर चलान हो रखे होंगे तो फिर आपके लिए बटन वाली बात है, कैमरे का एक चलान भी 2-2 हज़ार रुपये का है दोस्तों। तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, और सबसे बड़ी बात जब भी आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं उसमें लेने का देखिए आपको तो पहचान में नहीं आएगा गाड़ी कैसी है, गाड़ी देखिए जो जिस लाइन का होता है वो उस लाइन का अच्छे बारे में जानता है, तो गाड़ी के अंदर का जो मशीनरी आइटम है उसका उस पहचान कौन करेगा। कहते हैं ना हीरे की कदर जोहरी जानता है, तो भाई मशीनरी चीज़ का मैकेनिक ही बता पाएगा कि क्या इसकी कंडीशन है, कैसी चलेगी कैसी नहीं। बार बार से तो आप गाड़ी को बहुत खूबसूरत बना सकते हो, इंजन मैन जो होता है इंजन होता है, इंजन को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप सेकेंड हैंड गाड़ी के विचार में हो, कोई सस्ते रेट में मिल रही हो, तो सबसे पहले देखिए 1000-2000 रुपये देखिए, अपना लोकल ही कोई एक्सपीरियंस मिस्त्री हो जो गाड़ी देख के बता दे कि हाँ आपकी गाड़ी मतलब सेकेंड हैंड गाड़ी ये अच्छी कंडीशन में है कि नहीं, कितनी चली हुई है, मीटर बैक तो नहीं हो रखा, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आप कर लोगे तो डेफिनेटली मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि आप सेकेंड हैंड गाड़ी लोगे और अच्छी कंडीशन में लोगे और आपको कोई किसी चीज़ का नुकसान नहीं होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आज का मैं काम आपको बता देता हूँ दोस्तों। आज का मेरा काम ज़्यादा कोई खास नहीं है, पर ठीक ठीक कर लिया है, घर बैठने से बढ़िया था, तो 4-5 घंटे चला ली गाड़ी, चला के कितना काम किया वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1198 रुपये का मेरा काम है आज का, टोटल हो गए 1200 रुपये, और 1200 रुपये में मेरे को एक MCD मिल गया है और एक 120 का UP का स्टेट टैक्स मिल गया है, तो 220 का टोल है, 1200 रुपये का काम है, तो 1420 रुपये का टोटल काम है। तो टोटल काम में 1420 है, 220 टोल को हम हटा लेते हैं क्योंकि उसे हम अपनी अर्निंग में काउंट नहीं करते। टोटल काम है 1200 रुपये का, 1200 रुपये में मेरी जो CNG लगी है वो तकरीबन 300 रुपये तक की CNG मेरी लग गई है, तो 300 रुपये की CNG लग गई है और 1200 का काम है, 900 रुपये बचे हैं। 900 रुपये में गाड़ी में ही देखिए कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है गाड़ी में, तो ये आज की जो इनकम है वो मेरी पूरी की पूरी गाड़ी में है, तो मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। कुछ भी काम कराना होगा मेरे को, अभी देखिए दो काम करवाने हैं, एक्सल का काम करवाना है और मेरे को गियर ऑयल चेंज करवाना है, तो ये दोनों चीज़ करवाऊँगा, तो कम से कम मेरे जो एक्सल जो मैं डलवाऊँगा वो पल्टी में डलवाऊँगा, ठीक है, वहीं ककरोड़ा ओल्ड पालम रोड पे ही है मतलब, उससे डलवाऊँगा, तो 2000 तक का एक्सल डलेंगे और गियर ऑयल लगेगा,
600-700 तक का गियर ऑयल मान लो, और मतलब टोटल टोटल 3000 तक का खर्चा आप मान के चलिए, तो ये जितना भी मैंने कमाया वो पूरा का पूरा गाड़ी में लग जाएगा। आज का प्रॉफिट कुछ नहीं है, बस जो भी कमाया गाड़ी के लिए कमाया। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दोस्तों जितना आप वीडियो शेयर करते हो उतनी वीडियो आगे पहुँचती है उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में क्या अपडेट आ रहा है क्या नहीं आ रहा, जेन्युइनली काम कितना होता है, एक्चुअल में काम कितना होता है। बहुत लोग बोलते हैं इतना काम होता है, 4000 होता है, 5000 होता है, बट खर्चे कोई नहीं दिखाता। मेरी वीडियो में सिर्फ आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ है आपको वो चीज़ मैं बताता हूँ, सीएनजी कितनी लगी, आपके खर्चे कितने निकले, गाड़ी के खर्चे कितने निकले, गाड़ी की ईएमआई कितनी गई, ये सारी चीज़ें हटा के मैं आपको प्रॉफिट बताता हूँ कि ये प्रॉफिट है जो एक्चुअल में हुआ है, वैसे नहीं कि 4000 का 5000 का काम। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइमिंग पे। कल तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, आज G20 का लास्ट डे है, तो अभी आज कुछ जगह रिस्ट्रिक्शन है, तो आज अगर ना ही निकले तो बेटर है, क्योंकि जितने भी विदेशी मेहमान आए हैं हमारे वो शायद अब वापसी अपने घर की तरफ निकलेंगे शाम के टाइम, तो इसलिए इन एरियोज में जो एयरपोर्ट से सटे एरिया हैं वो शायद आपको बंद मिले, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, तो सोच समझ के निकलना इस रास्ते पे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय।